प्यारे बच्चों, आज हम आठवीं कक्षा की हिंदी अक्षरांजलि पुस्तक से सुंदर सिक्किम कविता का भावार्थ समझाने जा रहे हैं। सिक्किम के विषय में चर्चा करते हैं। प्रस्तुत कविता सुंदर सिक्किम, जो गोपाल ढकाल जी द्वारा रचित कविता इस प्रकार है। सुशांत सभ्य भाव में अनेक जातियां बसी, पले बड़े सभी यहाँ, विशाल गोद उसकी, अखंड देश का यही सुरम्य राज्य सिक्किम, हरा भरा रहा सदा पवित्र भूमि सिक्किम। ये राज्य अत्यंत सुंदर है, सभ्य है और यहाँ अनेक जातियां मिलजुल कर रहते हैं। अखंड भारत का अत्यंत सुरम्य सुंदर राज्य है सिक्किम, और हरा भरा और पवित्र भूमि है। पहाड़ मध्य भाग में बसा अनेक गांव है, शैल से घिरा हुआ विचित्र रंग रूप है, विशाल हिम राशियां अनेक ताल है यहाँ, अवर्णनीय राज्य में कथक अनेक है यहाँ। पहाड़ के मध्य भाग में बसा हुआ और अनेक गांव हैं इसमें, शैल मतलब पर्वत से घिरा हुआ है, और सिक्किम में विचित्र रंग रूप है, विचित्रता है सिक्किम में, विभिन्नता है। विशाल हिम राशियाँ हैं यहाँ पर, हिमालय और ताल भी, सरोवर भी हैं। अवर्णनीय राज्य में कथा अनेक है यहाँ, इस राज्य में अनेक कथा हैं जो वर्णन करके हम पार नहीं लगा सकते, इतने मनोरम कथाएं हैं इस राज्य में। बसंत याम में सदा गुरास चाँप फूलते, सुरूप चिलमिया यहाँ उमंग साथ घूमते, विचित्र रंग में सदैव नील ड्यूक सुंदर, हरा भरा रहा सदा तपोभूमि है मनोभर। बसंत ऋतु में चाँप और गुरास फूलते हैं, और यहाँ पर सुरूप चिलमिया मतलब राज्य की पक्षी जो है ब्लड पिजेंट, वो भी है, वो उमंग के साथ में घूमती है, और विचित्र रंग में नील ड्यूक सुंदर, नील ड्यूक जो राज्य का तितली में आता है, राज्य के तितली के रूप में ब्लू ड्यूक को माना जाता है, और हरा भरा है ये राज्य, तपोभूमि है और मनोहर, मन को हरण करने वाला है। स्वतंत्र राज्य देश का अतुल्य स्थान है रहा, शरीर योगदान भी शहीद ने दिया सदा, पवित्र मातृभूमि को समस्त विश्व जानते, हरा भरा रहा सदा सुशांत राज्य मानते। और देश का स्वतंत्र राज्य भी है, और इसका तुलना कहीं से नहीं हो सकता, किसी राज्य से नहीं हो सकता, इसलिए अतुल्य स्थान मानते हैं इसको। और अनेक शहीदों ने देश के लिए योगदान भी दिया, अपना शरीर का त्याग दिया, पवित्र मातृभूमि को विश्व में जानते हैं, विश्व के लोग जानते हैं, और हरा भरा रहा सदा सुशांत राज्य मानते, ये ग्रीन स्टेट के रूप में भी विश्व में परिचित है, या ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में भी परिचित है सिक्किम राज्य। प्रभात लाल पांडा वो दिशा दिशा निहारती, सुनाखरी भरी हुई पहाड़ में वो नाचती, अनंत कीर्ति राज्य का समस्त देश जानते, हरा भरा रहा सदा सुशांत राज्य मानते। प्रभात काल में, प्रातः काल में सवेरा होते ही लाल पांडा जो राज्य का राज्य पशु है, दिशा दिशा निहारती है ये लाल पांडा, और सुनाखरी भी उसी प्रकार से सिक्किम के पहाड़ों में नाचती है, या तो सुनाखरी से सिक्किम के पहाड़ हरे ढके हुए हैं। अनंत कीर्ति राज्य का समस्त देश मानते, विश्व के लोग या तो देश विदेश के लोग इस राज्य को कीर्तिमान मानते हैं, ये राज्य का कीर्ति फैला हुआ है। हरा भरा रहा सदा सुशांत राज्य मानते, ये राज्य सदा हरा भरा रहा है, ऑर्गेनिक स्टेट, ग्रीन स्टेट के रूप में ये परिचित है। इस प्रकार कवि ने सिक्किम राज्य का वर्णन किया है। सिक्किम भारत का एक छोटा सा राज्य है, यह पूर्वी हिमालय के मध्य में और चीन नेपाल भूटान से घिरा हुआ है। सिक्किम का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत शानदार है, और घने वनों
झरनों नदियों से भरा हुआ है जो पर्वतीय इलाकों के बीच स्थित है। कवि इस कविता में सिक्किम के राजकीय पक्षी पुष्प तितली पेड़ आदि का वर्णन करते हैं। मेरे बच्चों, हम प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं। सिक्किम की भूमि कैसी है? सिक्किम की भूमि सुरम्य है या तो रमणीय है, इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं। वैसे ही अनेक गांव कहाँ बसे हुए हैं? अनेक गांव पहाड़ के मध्य में बसे हुए हैं। किस याम में गुरांस चाँप फूलते हैं? बसंत ऋतु में या तो बसंत याम में चाँप गुरांस फूलते हैं। दिशा दिशा में कौन निहार रहा है? रेड पांडा जो राज्य पशु है सिक्किम का, वह दिशा दिशा निहार रहा है। सुनाखरी कहाँ नाच रही है? सिक्किम के वनों में या तो सिक्किम के पहाड़ों में सुनाखरी नाच रही है। प्यारे बच्चों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।